नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। देश के ज्यादातर राज्यों में लगभग एक ही दिन बारिशी गतिविधियां देखने को मिल रही है। मैदान से पहाड़ी इलाकों तक बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक जिस तरह की बरसात की उम्मीद थी वैसी नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर आने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छाए रहेंगे और प्रयागराज, लखनऊ और बरेली जैसे इलाकों में जमकर बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में पारा भी गिर सकता है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। IMD के मुताबिक शनिवार को यूपी के कई जिलों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसी वजह से इन इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होगी और इस दौरान कई इलाकों में बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई के लिए पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। लखनऊ आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 30 जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, संबल, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, इटावा, कन्नौज, फरुखाबाद, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव में दोपहर 2:30 बजे तक तेज बारिश हो सकती है। आज यहां हो सकती है हल्की बारिश। यूं तो मानसूनी गतिविधियां प्रदेश में कम हो गई है, फिर भी कुछ इलाकों में हल्के रूप में जारी रहेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शुक्रवार को पूर्व राजस्थान के अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में इस दौरान छितराई बारिश होने की संभावना है, जो हल्की गति के साथ होने के आसार है। इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो उपमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान इन राज्यों में गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में सक्रिय रहा। झारखंड, बिहार में बारिश की संभावनाएं। मौसम विभाग ने अपने ट्वीट में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, मध्य पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका जताई है। आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उपमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं आज जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने और मिट्टी धंसने के कारण रामबन जिले में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चिनाब नदी में जलस्तर खतरे के स्तर से 35 फुट से ऊपर चला गया है तथा प्राधिकारियों ने जलस्तर और बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान के जोधपुर संभाग में जोरदार बारिश का दौर जारी है, जहां लोहावट में सर्वाधिक 135 मिनिमम बारिश हुई। लगातार बारिश से जोधपुर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल बंद है और अनेक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। आज झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गरज के साथ बौछारें पड़ने तथा वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और लास्ट में हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।